तरंगाग्र और हाइगन के तरंग सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो तरंगाग्र क्या होता है कि तरंगाग्र एक पृष्ठ है जिससे होकर जो तरंगीय विक्षोभ है वो गुजरता है और जिस पर स्थित सभी कण एक ही समान कला में एक ही कला में कंपन करते हैं। तरंगाग्र एक बार दोबारा से समझ लें, तरंगाग्र जैसे एक तरंग किसी माध्यम में अग्रसित हो रही है चारों तरफ, तो तरंगाग्र वो पृष्ठ है जिससे होकर तरंग विक्षोभ गुजर रहा है और जिस पर स्थित प्रत्येक कण एक ही कला में कंपन कर रहा है, इसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र कैसा तरंगाग्र है? ये गोलीय पृष्ठ का वह भाग है जिससे होकर कोई तरंगीय विक्षोभ गुजर रहा है और जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई स्थिर पानी में अगर पत्थर फेंका जाए तो पत्थर के कारण पानी में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा होता है। तो जो पत्थर है जब आपने पानी में फेंका तो वो एक विक्षोभ उत्पन्न कर रहा है, अर्थात वो एक स्रोत की तरह से कार्य कर रहा है, तरंग के स्रोत की तरह से कार्य कर रहा है। ये विक्षोभ चारों ओर कणों के द्वारा एक दूसरे पर स्थानांतरित होता है और उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। आपने उसे चारों तरफ गोलीय लहरें ऊपर नीचे उड़ते हुए देखी होंगी। तो ये जो गोलीय लहरें हैं ये एक तरह से गोलीय तरंगाग्र है। गोलीय रिंग, जो गोलीय लहर है, गोलीय रिंग है, उस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा होता है। इसे इस फिगर से देख सकते हैं। जैसे ये जो बिंदु स्रोत है जो कि हम पत्थर की शांत पानी में पत्थर फेंकने का उदाहरण जो दिया है उसे ले सकते हैं, ये एक बिंदु स्रोत है। यहाँ से विक्षोभ चारों ओर समान वेग से गति कर रहा है। यदि माध्यम समांगी है, समांगी माध्यम से मतलब है कि जिसमें तरंगे समान वेग से चारों ओर गति करती है, ऐसा माध्यम समांगी माध्यम कहलाता है। तो ये बिंदुवत स्रोत है, इससे जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो चारों ओर समान वेग से गति करता है। तो अगर किसी समय पे आप ये किसी समय टी पर ये जो दूरी तय करेगा वो यदि v तरंग की गति है तो vt ये दूरी होगी, vt दूरी तय कर लेगा। तो जब आप उन बिंदुओं को मिलाएंगे, सारे vt दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो ये जो पृष्ठ होगा ये गोलीय तरंगाग्र होगा। इस तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा होगा। इस तरंगाग्र के लंबवत दिशा आपको तरंग की गति की दिशा बताती है, जो कि ऊर्जा की गति की दिशा भी होती है। तो ये गोलीय तरंगाग्र हैं। तो टी समय पर ये आपको तरंगाग्र मिलेगा, ये बाकी तरंगाग्र और समय गुजरता जाएगा तो आगे की ओर बढ़ेगा ये तरंगाग्र। तो ये गोलीय तरंगाग्र हैं ये सारे।
दूसरा तरंगाग्र है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या है? समतल तरंगाग्र वो समतल पृष्ठ का वो भाग है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन कर रहा होता है। तो आप इसको यहाँ पर हमने ये गोलीय तरंगाग्र को दिखाया हुआ है। यहाँ तो ये जो इसकी त्रिज्या है ये काफ़ी छोटी है, लेकिन यदि त्रिज्या बहुत बड़ी हो तो ये गोला बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण ले पृथ्वी, पृथ्वी पर जब आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको सारी पृथ्वी समतल दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी है। तो यदि ये तरंगाग्र की त्रिज्या बहुत बड़ी होगी तो इसका एक भाग एक समतल दिखाई देगा। तो ये समतल तरंगाग्र है। गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या यदि बहुत बड़ी है तो इसका एक भाग को एक छोटा भाग समतल तरंगाग्र होगा। तो ये समतल तरंगाग्र है और ये इसकी दिशा है, विक्षोभ की गति की दिशा है, यही ऊर्जा संचरण की दिशा होगी। तीसरा जो तरंगाग्र है वो बेलनाकार तरंगाग्र है। बेलनाकार तरंगाग्र कैसे? यदि स्रोत आपका स्लिट है, यदि स्रोत स्लिट है मतलब आप एक गत्ता ले लीजिए, उसमें एक पतली सी लंबी खांच बना दीजिए और गत्ते की दूसरी तरफ कोई लाइट सोर्स रख दीजिए और एक तरफ आप खड़े हैं तो आपको लाइट सोर्स तो नहीं दिखेगा लेकिन स्लिट में से निकलती हुई रोशनी दिखाई देगी। ये जो इसका जो तरंगाग्र होगा वो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। जो स्लिट है वो एक्सिस का काम करेगी जो स्लिट, और ये जो प्रकाश है वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये बेलनाकार तरंगाग्र होगा। और इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लंबवत ये जो दिशाएं हैं ये तरंग के संचरण की दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, और इसी दिशा में ऊर्जा का भी संचरण होगा। तो ये हमारा तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र तीन प्रकार के हैं, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र के लिए जो स्रोत है वो बिंदुवत स्रोत है, जो समतल तरंगाग्र है वो गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र जब काफ़ी बड़ा हो तो उसका एक हिस्सा समतल की तरह प्रदर्शित होगा, तो वो समतल तरंगाग्र आपको प्रदान करेगा। और तीसरा जो तरंगाग्र है वो बेलनाकार तरंगाग्र है जिसके लिए जो स्रोत है वो स्लिट, ये स्लिट स्रोत की तरह से कार्य करती है। अब हम बात करेंगे हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हमने पहले के वीडियो में बात की थी कि हाइगन ने 1678 में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने न्यूटन की कॉर्पस्कुलस थ्योरी यानी कि सूक्ष्म कणिकाओं के सिद्धांत को खारिज करते हुए अपना प्रकाश का तरंग का सिद्धांत, हाइगन का तरंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो माध्यम के कण केवल स्रोत और कण को मिलाने वाली दिशा में पड़ने वाले कणों को ही विक्षोभ का स्थानांतरण नहीं करते हैं बल्कि उन सभी कणों को स्थानांतरित करते हैं जो कि उनको स्पर्श करते हैं तथा उसकी गति का प्रतिरोध करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने पहले बात की थी
कि मान लीजिए ये एक बिंदुवत स्रोत है और इससे जो उत्पन्न विक्षोभ वो आगे की ओर बढ़ रहा है, जिससे टी समय के बाद आपको ये तरंगाग्र प्राप्त होता है। तो हाइगन के अनुसार कि मान लीजिए इस तरंगाग्र पर कोई यहाँ इस बिंदु पर कोई कण उपस्थित है, तो ये कण ये अपना विक्षोभ केवल उस कण पर ही ट्रांसफ़र नहीं करता है, जो कि यदि इस कण और जो स्रोत है उसको मिलाने वाली रेखा पर उसके आगे उपस्थित हो, बल्कि उसके चारों ओर उन सभी कणों को इस विक्षोभ को ट्रांसफ़र करेगा, स्थानांतरित करेगा, जो उसको स्पर्श कर रहे हैं और जो उसकी गति का को प्रतिरोध कर रहे हैं। तो मतलब ये विक्षोभ केवल आगे की ओर ही पड़ने वाले कण पर नहीं को ट्रांसफ़र होगा, बल्कि इस कण को स्पर्श करने वाले सारे कणों पर ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो कण है एक नवीन स्रोत की तरह से कार्य करेगा, जो अपने चारों ओर पड़ने वाले कणों को उस विक्षोभ को स्थानांतरित कर रहा है। तो पहला जो निष्कर्ष निकलता है कि दिए हुए तरंगाग्र जिसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं, यदि हम इसे प्राथमिक तरंगाग्र कह दें, ये पहला दिया हुआ जो तरंगाग्र है प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं, उसका प्रत्येक बिंदु एक नवीन विक्षोभ का स्रोत माना जा सकता है। यदि हम इसे प्राथमिक तरंगाग्र कहें, मतलब ये आपके पास कोई तरंगाग्र है, तो इस पर पड़ने वाला प्रत्येक बिंदु इस पर पड़ने वाला प्रत्येक कण एक द्वितीयक स्रोत की तरह से कार्य करेगा, मतलब वो अपने चारों ओर पड़ने वाले कणों को अपना जो विक्षोभ है वो स्थानांतरित करेगा। दूसरा बिंदु, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से नवीन विक्षोभ सब दिशाओं में संचरित होते हैं और उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। अब जैसे ये जो हमने बात की कि इस तरंगाग्र पर जो प्राथमिक तरंगाग्र है उस पर पड़ने वाला प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक कण, बिंदु नहीं कण कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, कि प्रत्येक कण एक नए स्रोत की तरह से कार्य करता है और ये विक्षोभ अपने चारों ओर पड़ने वाले नए कणों पड़ने वाले चारों ओर स्थित कणों को उस विक्षोभ को ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। इसे द्वितीयक उन्हें और ये विक्षोभ आगे की ओर बढ़ता है, इसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया हुआ है कि जैसे ये कण है ये अपनी ओर चारों ओर पड़ने वाले कणों को ये विक्षोभ स्थानांतरित कर रहा है और ये विक्षोभ आगे की ओर बढ़ रहा है, इसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तीसरा बिंदु, किसी समय अंतराल के पश्चात प्राप्त द्वितीयक तरंगिकाओं का अग्र दिशा में स्पर्शीय पृष्ठ नवीन तरंगाग्र को निरूपित करता है तथा इस पृष्ठ को द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। तो ये जो बिंदु कण है ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित कर रहा है, मतलब विक्षोभ अपने चारों ओर ट्रांसफर कर के कणों को ट्रांसफर कर रहा है। ये जो विक्षोभ है ये आगे की ओर गति करता है और मान लीजिए ये जो से टी समय बाद ये जो आपको प्राथमिक तरंगाग्र मिला था, जैसे ये बिंदु स्रोत है, ये तरंग आगे की ये विक्षोभ यहाँ से विक्षोभ आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वीटी समय में ये आपको प्राथमिक तरंगाग्र मिल रहा है। अब हम ये देखना चाहें कि टी प्राइम समय बाद ये तरंगाग्र का आकृति शेप कैसी होगी, आकार कैसा होगा और वो कहाँ स्थित होगा। तो क्या क्या करना है कि
टी प्राइम समय पे यहाँ, चूँकि अब ये इस प्राथमिक पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए स्रोत की तरह से कार्य कर रहा है, तो टी प्राइम समय में जो ये विक्षोभ है वो वी टी प्राइम दूरी आगे बढ़ जाएगा, मतलब वी टी प्राइम दूरी पर यहाँ पहुँचेगा। वैसे ही चूँकि ये सारे अपने चारों ओर के कणों पे ये विक्षोभ प्रदान कर रहा है, तो वी टी दूरी यहाँ पहुँचेगा, वी टी प्राइम दूरी यहाँ, वी टी प्राइम दूरी ऐसे ही। तो ये आपको द्वितीयक तरंगिकाएँ प्राप्त होंगी यहाँ पर। वैसे ही हर एक बिंदु के लिए आप द्वितीयक तरंगिकाएँ बनाएंगे, और ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं का जो स्पर्श रेखीय पृष्ठ होगा, स्पर्शीय पृष्ठ होगा, वो आपको नया तरंगाग्र प्रदान करेगा। आपको जो इसका टेंजेंशियल जो सरफेस होगा, ये जो सारी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं इनका जो टेंजेंशियल सरफेस होगा वो आपको तरंगाग्र, नया तरंगाग्र प्रदान करेगा। तो ये गोलीय तरंगाग्र है, और इस गोलीय तरंगाग्र पर पड़ने वाला प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की तरह से कार्य करेगा, तो इससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ेंगी। और टी प्राइम, चूँकि हम टी प्राइम समय बाद देखना चाह रहे हैं, तो टी प्राइम समय बाद वी टी प्राइम दूरी चलकर ये तरंगिकाएं यहाँ पहुँच जाएंगी। गोलीय इसलिए हैं क्योंकि हाइगन के अनुसार नवीन स्रोत चारों ओर अपना विक्षोभ आगे की ओर प्रदान करता है आगे के कणों को, तो ये तरंगिकाएं चारों तरफ आगे की ओर फैलेंगी। तो टी प्राइम समय बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी। वैसे ही हर बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए ये यहाँ पहुँच जाएगा, इस बिंदु पर पड़ने वाले पार्टिकल के लिए ये यहाँ पहुँच जाएगा, वैसे इसके लिए ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ऐसे ही सारे इस पर पड़ने वाले प्रत्येक पार्टिकल। जब आप इन सारी तरंगिकाओं का स्पर्शीय पृष्ठ बनाएंगे तो ये फिर आपको एक गोलाकार पृष्ठ ही प्राप्त होगा। तो टी प्राइम समय बाद आपका जो नया तरंगाग्र है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, और उसका भी आकार जो शेप है वो गोलीय ही होगा। अब हम जैसे समतल तरंगाग्र की बात करें, तो जैसे हमने कहा, देखा था, ये समतल तरंगाग्र है, ये वाला ये समतल तरंगाग्र है। इस पर पड़ने वाला प्रत्येक बिंदु, जैसे कि बात हुई कि प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह से कार्य करेगा, और वो चारों ओर अब द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ेंगी। तो इस समतल की बात करते हैं इसकी बजाय, तो जैसे इस समतल पर पड़ने वाला प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह से कार्य करता है, और तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ेंगी। चूँकि जैसे इस बिंदु की बात, समतल पर पड़ने वाला ये ए पॉइंट पर जो बिंदु की बात, कण की बात करें, तो ये तरंगिकाएं चारों ओर आगे की ओर बढ़ेंगी, तो इनका जो शेप होगा वो गोलीय होगा, क्योंकि ये चारों ओर विक्षोभ आगे बढ़ेगा, तो इसका यहाँ गोलीय होगा। वैसे ही इस बिंदु पे बात करें, चारों ओर फैल रहा है विक्षोभ, तो ये इसका भी आकार गोलीय होगा, इस पर भी ऐसे ही। जब आप इन सभी पृष्ठों को स्पर्शीय पृष्ठ बनाएंगे, इन सब द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श रेखीय पृष्ठ बनाएंगे, तो आपको फिर ये एक समतल तरंगाग्र, समतल पृष्ठ मिलेगा। तो ये समतल तरंगाग्र ही मिलेगा आपको। तो टी प्राइम समय के बाद, यदि आप टी समय पर यहाँ पर उपस्थित हैं और टी समय पर समतल तरंगाग्र है, तो टी प्राइम समय बाद तरंगाग्र का शेप क्या होगा,
और वो कहाँ उपस्थित होगा, इसको आप इस ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन से देख सकते हैं। आपको टी प्राइम के टी प्राइम वी टी प्राइम का लंबाई के त्रिज्या का गोला बनाएं। ई प्राइम समय में जो विक्षोभ है, ए बिंदु पर जो विक्षोभ है, वो वी टी प्राइम दूरी चलकर यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं, ये द्वितीयक तरंगिकाएँ हैं। वैसे ही बी कण जो द्वितीयक तरंगिकाएँ उत्सर्जित करेगा, वो वी टी प्राइम दूरी तय करके यहाँ पहुँच जाएंगे। सी पर उपस्थित कण जो उत्सर्जित करेंगी तरंगिकाएँ, वो वी टी प्राइम दूरी तय करके इधर पहुँच जाएंगी, तो ये गोलाकार आकृति होगी। इस कारण से हम वी टी प्राइम लंबाई की त्रिज्या के गोले बनाए, जिनका की सेंटर इस समतल पृष्ठ पर उपस्थित है। फिर ये जो गोले मिलेंगे उनका स्पर्शीय पृष्ठ बनाए, तो जो स्पर्शीय पृष्ठ होगा वो आपको नया तरंगाग्र देगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो समतल तरंगाग्र ही होगा, जो कि जो प्राथमिक तरंगाग्र प्राथमिक समतल तरंगाग्र है उससे वी टी प्राइम दूरी पर उपस्थित होगा। तो इस प्रकार जो हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, उसके द्वारा हम जो प्राथमिक तरंगाग्र है उसके आधार पर नया तरंग किसी समय पर नया तरंगाग्र की स्थिति तथा उसकी शेप यानी आकार को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कमी है, जो कि जिसको कि हाइगन की थ्योरी स्पष्ट नहीं करती है, कि जो आगे की ओर विक्षोभ द्वितीयक तरंगिकाओं से बढ़ रही हैं, उसका तो स्पर्शीय पृष्ठ के बारे में बात की जाती है, लेकिन जो पीछे की ओर विक्षोभ अग्रसित है उसके बारे में ये थ्योरी, ये सिद्धांत मौन रहता है। तो ये एक कमी है इस सिद्धांत की। धन्यवाद।